दोस्तों बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और ये सहयोग है कि राहुल गांधी के बिहार एंट्री से पहले ही सरकार बदल गई। रंगभूमि मैदान की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश के दलित ओबीसी आदिवासी वर्ग और अन्य लोगों की सटीक जनसंख्या जानने की जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर एक चुटकुला भी सुनाया, सुनिए। तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया, आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको, सुनना है तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री दो तीन मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती है और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की, थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम पांच न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, उसके बारे में हम काम कर रहे हैं।